मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत 16 मुलजिमान बेगुनाह करार। नैब ने जिमनी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। अदालत में वजीर आजम के दामाद हारून यूसफ और ताहिर नकवी के बुरी जमानत में 24 मई तक तौसी कर दी। पंजाब भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। लाहौर समेत 9 तालीमी बोर्ड्स का नवी जमात का इम्तिहान मुलतवी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत होने वाले इम्तिहान भी मुलतवी। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अमली इम्तिहान भी नहीं लेंगे। लाहौर में जल्द से जुलूस और रैलियाँ निकालने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 का नफाज 7 रोज के लिए होगा। शहर का मास ट्रांसिट सिस्टम जिसमें तौर पर फाल कर दिया गया। शाहजहा से गजमता तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल। ऑरेंज लाइन ट्रेन भी अली टाउन से डेरा गुजरा तक फाल कर दी गई। फिरोजपुर रोड, लिबर्टी जे रोड और भट्टा चौक को जाने वाली स्पीड ऑफ बस सर्विस मअत्तल। पीटीआई कारकुनान के एहतजाज के बाइस गुज़श्ता रोज मास ट्रांसिट सिस्टम का मअत्तल किया गया था। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में निगरान सूबाई वज़रा और आला अफसरान शरीक होंगे। मोहसिन नकवी मुख्तसर दौरे के बाद लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन पंजाब ने उमर सरफराज चीमा को घर से गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक उमर सरफराज चीमा को गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उमर सरफराज चीमा पर बतौर गवर्नर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। और इमरान खान की गिरफ्तारी पर लाहौर बार एसोसिएशन की जज्बी हड़ताल। सेशन अदालत समेत मातहत अदालतों में जज्बी हड़ताल जारी। वकला के पेश ना होने पर केसेस की अगली तारीखें दी जाने लगी। लाहौर हाईकोर्ट बार ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर जनरल हाउस तलब कर लिया।